नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार की रात स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने रोहिणी में एक कारोबारी से 1,57,00,000 रुपए लूट लिए। रोहिणी सेक्टर 24 में तीन बदमाशों ने पहले स्कूटी से पीछा किया और पिस्टल दिखाकर डिग्गी में रुपए से भरे तीन बैग ले गए। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे उन्होंने व्यापारी को रोका और बैग ले गए। सभी अपराधी हेलमेट लगाए हुए थे जिससे कि उनका चेहरा पहचान में ना आए। पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। व्यापारी नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार रात वह अपने चालक धर्मेंद्र कुमार के साथ करीब 1,57,00,000 रुपए नगद लेकर चांदनी चौक से अपने भतीजे के घर लौट रहा था। जब वे पॉकेट 21 सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली के पास पहुंचे तो एक अज्ञात व्यक्ति स्कूटर पर आया और उनकी कार का रास्ता रोक दिया और उससे बहस करने लगा। तभी पीछे से दो तीन और लोग आए और उनकी कार के ड्राइवर के साइड का शीशा तोड़ दिया और कार की चाबी छीन ली। फिर बदमाशों ने कार की डिग्गी खोली और तीन बैग में रखे पैसे ले गए और मौके से भाग गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।